पार्ट 3 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आर्मी, मुझे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको लाइक करने में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा, बस एक बटन दबाना होगा। प्लीज आर्मी कर दीजिए ना, इसमें आपका क्या जाता है। और आप लोगों ने इस पार्ट के पिछले पार्ट में तो बहुत अच्छे लाइक किए हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच आर्मी, और मुझे भरोसा है कि आप इस पार्ट में भी बहुत अच्छे लाइक करेंगे। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं तुमसे जितना पहले प्यार करता था ना, उससे ज्यादा अब नफरत करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया थे? अच्छी खासी हमारी लाइफ चल रही थी, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया थे? अब तुमने ऐसा कर दिया है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो गई बात है, लेकिन उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बहुत दर्द से है। मिस्टर प्लीज उठ जाइए, ये आपका घर नहीं है, ये ऑफिस है जो आप इतने चैन से सो रही है। और अब आप ऑफिस में नहीं रह सकती हैं, आपको घर जाना होगा। वैसे भी सब लोग तो बहुत पहले चले गए थे, लेकिन आपकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, बिकॉज आप काम कर रही थी ना, इसलिए मैं ऑफिस बंद नहीं कर सकता था। अब मैं जा रहा हूँ और आपको भी घर जाना होगा, जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं कल आकर इसे कम्प्लीट कर लूंगी। फिर उसके बाद ते अपना बैग उठाकर बाहर आती है और बाहर टैक्सी के लिए वेट करने लगती है। लगता है देखो कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, पर मैं इसे अकेला छोड़कर जा तो नहीं सकता ना। एक काम करता हूँ, उसे ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर सुनिए, बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। देखो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, बिकॉज इतनी देर से तुम मेरे ऑफिस में थी और अब तुम मेरी रिस्पांसिबिलिटी हो, तुम्हें घर से ही सलामत छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। बीच रास्ते में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा ब्लेम मुझ पर आएगा, सो अब मुझसे कोई भी आर्ग्यू ना करके चुपचाप कार में बैठ जाओ। अच्छा ठीक है सर, बैठती हूँ। चलिए सर, मैं बैठ गई। ओह गॉड, 11 बज चुकी है और अभी तक दीदी घर नहीं आई है। मैंने उन्हें कितने सारे कॉल्स किए और सब स्विच ऑफ बता रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, वैसे भी वो चार्ज नहीं करती जल्दी। लेकिन उनके ऑफिस का टाइम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उनका ऑफिस तो 8 बजे बंद हो जाता है और अभी 11 बज चुके हैं और अभी तक दीदी नहीं आई है। मुझे इतना ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? और ऊपर से मौसम भी इतना खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है, शायद बहुत तेज से बारिश होगी। दीदी जल्दी से घर आ जाओ, वरना मुझे आपको ढूंढना बाहर जाना पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? पहली बार मुझे किसी लड़की को देखकर ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ, और बस इतना लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूँ। आई वॉन्ट यू एंजल, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हें अपने पास ला कर ही रहूंगा। इस वक्त तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, पर मैं तुम्हें देख नहीं सकता ना, क्या करूँ? मैं बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। ओ गॉड, मैं क्या करूं? काश मेरे पास मैजिक होता और मैं अभी तुम्हें आ ले आता और तुम्हें जी भर के देखता। सुगा ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके सामने वाले विंडो पर पड़ती है, जहाँ पर जिमिन खड़ी थी। व्हाट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो जिमिन है क्या? ओ गॉड, मैंने यहाँ कर लिया और मेरे सामने मेरी एंजल रहती है, मुझे पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच गॉड, मैंने अभी आपसे मांगा कि मुझे मेरी एंजल को देखना है और आपने मुझे दिखा भी दिया। अब मैं जितना चाहूँ उसे जी भर के देख सकता हूँ, बिकॉज वो मेरे सामने वाले घर में रहती है। देखो घर आ ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है, जिसे जंगलों को साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कार वहीं पर रोक देता है, और वो एक सुनसान जंगल था। क्या हुआ सर, आपने ये कार क्यों रोक दी? क्या तुम पागल हो? दिख नहीं रहा कि इतनी जोर से बारिश हो रही है? अगर इसी बारिश में मैं कार चलाऊंगा ना, तो पक्का एक्सीडेंट होगा, बिकॉज मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी सर, लेकिन ये तो बहुत सुनसान जंगल है, यहाँ पर रुकना भी तो सेफ नहीं है, अगर हम यहाँ रुक गए और कुछ हो गया तो, और बारिश भी तो बहुत तेज हो रही है, हम भाग भी नहीं पाएंगे। तुम हमेशा निगेटिव क्यों सोचती हो? तुम्हारी आदत गई, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इस जंगल में कोई मॉन्स्टर आ गया तो और वो हमें खा गया तो प्लीज कुकी जल्दी चलो, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। बेबी डोंट स्केयर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम डरती क्यों हो? और हाँ, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे कस के हक लेना। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये बच्चों की तरह डरना बंद करो और चुपचाप बैठी रहो।
ओके, लेकिन क्या आप अपना फोन 2 मिनट के लिए मुझे दे सकते हैं? बिकॉज मेरा फोन डेड हो गया है और मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी मेरी, तो मुझे उसे कॉल करके बताना है। ओके फाइन, लो बात कर लो, पर मुझे नहीं लगता कि इतने सुनसान जंगल में और इतनी घनी बारिश में फोन लगेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क होगा। हाँ आप सही बोल रहे हो, बिकॉज सच में नेटवर्क नहीं है और फोन भी नहीं जा रहा है। क्या करूँ मैं, मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी। देखो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। हाँ 11 बज गई, मुझे बहुत देर से भूख लगी है, क्या करूँ? यहाँ पर कुछ है भी नहीं खाने वाला और मुझे भूख भी बहुत देर से लगी है, क्या करूँ? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता। मैंने लंच स्किप कर दिया था सिर्फ काम की वजह से। मैंने सोचा था मैं डिनर अच्छे से कर लूंगी, पर डिनर भी गुल हो गया। मिस्टर, अगर आपको भूख लगी है ना तो बता दीजिए, तो हम साथ में खाना खा लेते हैं, बिकॉज मेरे कार में खाना है। ओके सर, वैसे भी मुझे भूख भी लगी थी। मैं उसके बाद तय को खाना खाने लगते हैं। लगा हुआ है क्या? कुछ लगा है? सॉरी सर, मैं अभी क्लीन करती हूँ। हो गया? नहीं ते, अभी भी साफ नहीं हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तो सर लगा रहने दीजिए, अब यही साफ करती रहूंगी तो मैं डिनर कैसे कर पाऊंगी? रहने दीजिए, लगा रहने दीजिए, मैं बाद में साफ कर लूंगी। नहीं रुको, मैं साफ कर देता हूँ। ओके सर, आप ही साफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली भी है, मुझे लगता है डायरेक्ट सुबह ही रुकेगी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे एक वहाँ पर छोटा सा घर दिख रहा है, हमें वहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि कार में पूरी रात रुकना सेफ तरी होगा ना, इसीलिए चलो चलते हैं। ओके सर, आप ठीक है शायद, चलिए। देन दोनों कार से बाहर निकलते और भीगते हुए उस घर में चले जाते हैं। उस घर का डोर नॉक करता है। हाँ तुम दोनों कौन हो और क्या हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली मैम हम घर जा रहे थे लेकिन बहुत तेज से बारिश होने लगी जिसकी वजह से हम यहीं फंस गए हैं, क्या आप एक रात के लिए अपने घर में जगह देंगे? बस हम सुबह निकल जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि लड़की कौन है? वो एक्चुअली मैम की, एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम आए थे लॉन्ग ड्राइव पर और अचानक से बारिश हो गई और हम यहाँ फंस गए, क्या प्लीज आप एक रात के लिए हमें रहने दे सकते हैं? Yes, why not? सच में आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, आइए अंदर, आप रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका, चलो के अंदर। उसके बाद देखो उस घर के अंदर जाते हैं और वो लेडी उन दोनों को एक रूम दे देती है। ओह गॉड, तुम दोनों के कपड़े तो सारे गीले हो गए, एक काम करती हूँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े तुम्हें दे देती हूँ और अपने कपड़े तुम्हें दे देती हूँ, अभी ला रही हूँ। मैं बोलकर वो लेडी अपने रूम में चली जाती है उन दोनों के लिए कपड़े लेने के लिए। आई एम सॉरी मिस्टर, मैंने तुम्हें वाइफ बोला ना? नो नो सर, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज वैसे तो वो हमें अपने घर में रुकने नहीं देती ना, इसलिए आपने झूठ बोला है, मैं समझ सकती हूँ, आप सॉरी मत बोलिए। जंगो कुछ बोलने वाला होता है कि वो चुप हो जाता है, बिकॉज वो लेडी कपड़े लेकर आ गई थी। ये लीजिए आप दोनों के कपड़े और ये कपड़े आप दोनों चेंज कर लीजिए, वरना आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, और सो जाइए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दीजिएगा। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, यू वेलकम, अब मैं चलती हूँ, आप लोग सो जाइए। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेती है। अब सर आप अपना मुंह उधर घुमाइए, उसके बाद ही तो मैं अपना ड्रेस चेंज कर पाऊंगी ना। हाँ क्यों नहीं, आप चेंज कर लीजिए।
देन उसके बाद जंगो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और तेज ड्रेस चेंज कर लेती है। उसके बाद तेज दूसरी तरफ कर लेती है और जंगो अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है। तेज तुम बेड पर लेट जाओ और मैं यहाँ जमीन पर लेट जाता हूँ। नहीं सर, आप जमीन पर नहीं लेट सकते बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही है और फर्श बहुत ही ज्यादा ठंडी है, ऐसे तो आपको ठंड लग जाएगी। एक काम करिए, आप ही बेड पर लेट जाइए, मैं जमीन पर लेट जाऊंगी। अच्छा, और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी क्या? तुम सुपर गर्ल हो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं, एक साइड में मैं लेट जाऊंगी, एक साइड में आप लेट जाना। सच में इससे तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं होगी ना? नो सर, आई एम ओके, आप लेट जाइए। फिर उसके बाद दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं।